शायद यही वजह है, महेंद्र रघुवंशी हैं लिख रहे हैं कि आप दोनों की वजह से वो महाराष्ट्र से आपका प्रोग्राम देखते हैं, महाराष्ट्रियन हैं लेकिन ये प्रोग्राम देखते हैं। कासिम साहब और अनुपम जी आप दोनों को बहुत अच्छे से सुनते हैं, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि आपके बोलने का अंदाज अच्छा लगता है, मेरी भी तारीफ हो रही है। खैर जो भी है, भीम रत्न नितिन बौद्ध कह रहे हैं लालू की तरह अखिलेश यादव भी हैं, परिवार के अलावा कोई अन्य यादव उम्मीदवार नहीं है। ये सब तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, सबका कमेंट्स पढ़ना मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन राव साहब एक बात जो बहुत साफ दिखाई पड़ता है, वो साफ ये दिखाई पड़ता है कि वो कहते हैं ना, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो कहते हैं कि एक मैच के जीत के बाद साइकोलॉजिकली वो टीम बूस्टअप हो जाती है और फिर चाहती है जीत का सिलसिला बरकरार रख। आप अगर हार का सिलसिला बरकरार रखेंगे तो फिर जीतने के चांसेस भी बहुत कम होते जाते हैं। सवाल यह उठता है कि परिवार में भी, इन्होंने कहा ना परिवार में भी संशय है, परिवार में इतना संशय क्यों? आपने भी कहा आजमगढ़ से शिवपाल यादव लड़ने वाले थे, कन्नौज को लेकर के भी संशय है, कन्नौज को लेकर के भी समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये कयास ही लगाया जा रहा है। आखिरकार परिवार में ये भ्रम की स्थिति क्यों? पंकज भाई, पहली बात तो है जो सारी ये समस्याएं हो रही हैं उसका कारण यह है कि पार्टी में अनुशासन की बहुत कमी है। बीजेपी को देख लीजिए, चाहे बीएसपी को देख लीजिए, चाहे आप कांग्रेस जिसके पास कैंडिडेट की भी कमी है उसको देख लीजिए, ये लोग कैंडिडेट घोषित करते हैं तो वहां से विरोधाभास की बातें इतनी ज्यादा नहीं होती और टिकट बदला नहीं जाता है फिर जब तक कोई बहुत बड़ी खबर ना आ जाए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक गुट को टिकट दिया जाता है, दूसरा गुट पहुंच जाता है कि भाई नहीं हमारे दीजिए। और यहाँ पर ये समस्याएं हैं। एक अंदर की बात बताऊं, मेरी कई समाजवादियों से बात हुई, बहुत वरिष्ठ है समाजवादी पार्टी में, उन्होंने बोला कि ये बात सही है कि 2024 का चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, ये 2027 का लड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी बात समझ लीजिए उनके अंदर खाने में डर की स्थिति क्या है। ये कहा जा रहा है कि 2027 में चुनाव ही नहीं होगा, वो वन नेशन वन इलेक्शन वाली पॉलिसी आ गई तो सीधा 29 में होगा। और 12 साल 15 साल कोई पार्टी बाहर रहती है एक दशक के ऊपर, तो उसको वापस आना पंकज भाई तो मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी बात, बहुत उम्मीद होगी उस समय। उसके अलावा कुछ बातें हैं जैसे मुसलमानों की कि मुसलमान वोट बैंक पे समाजवादी पार्टी का हक है या कांग्रेस से गठजोड़ के बाद उनका हक बनेगा या मायावती के पास जाएगी, तो इसमें एक बात बहुत क्लैरिटी है। मैं बाकी अपने सीनियर से मैं थोड़ा इतर बोलूंगा कि अखिलेश यादव ने राम मंदिर ना जाने का जब निर्णय लिया उसके बाद उनको इतना विरोध हिंदू पक्ष अपने समाजवादी पार्टी के हिंदू पक्षों से झेलना पड़ा, उसके बावजूद भी वो डिगे नहीं। अगर वो डिगते तो ये कह सकते थे कि मैं नहीं राम मंदिर के दर्शन या इन सब चीजों में जाऊंगा, मुसलमान कहाँ जाए, मुसलमान आएगा तो मेरे पास। उनको कहीं ना कहीं ये डर है कि मुसलमान कांग्रेस और बसपा की तरफ मुंह मोड़ देगा, क्योंकि बसपा बड़ी चालाकी से हमेशा, पिछली बार भी देख चुके हैं, वो कैंडिडेट हमेशा मुस्लिम को ज्यादा देती है और वोट कहीं ना कहीं अगर उसको नहीं मिलते हैं तो वोट कट जरूर जाते हैं। अभी पल्लवी पटेल, एक चीज बहुत बड़ी और है इस पूरे दौरान में कि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल से जिस तरह से अलगाव हुआ, पल्लवी पटेल को की माता जी को राजमाता कह के उन्होंने चेयरमैन वाली कुर्सी पे बिठा दिया था, ये फोटो है सब जगह वायरल है, इतना सम्मान दिया था, उसके बावजूद क्या हुआ? यहाँ पर जो लोकल समाजवादी हैं, जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उस समय बड़ा विरोध किया उन्होंने कि भाई इस तरह से आपने दे दिया, आप चेयरमैन बनते, आप बैठते, आप इतना भी सम्मान ना दीजिए जो दल बदलू हैं, जो इधर से उधर आते रहते हैं, आपने बहुत दे दिया, अब अपनी पार्टी पे फोकस करिए। इसके अलावा पंकज भाई एक बहुत बड़ी बात है, ये जो सारी चीजें स्थितियां सुधरी हैं शिवपाल यादव के आने के बाद, वो शिवपाल यादव आए क्यों हैं? शिवपाल यादव ने आते समय एक बयान दिया कि डिंपल जानेगी क्या होगा। डिंपल यादव आज की डेट में समाजवादी पार्टी में
सबसे ज्यादा तवज्जो रखती हैं, उनकी बात को अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों लोग मानते हैं। ये अंदर खाने की सूचनाएं हैं। डिंपल यादव के कहने पे ही शिवपाल वापस आए, डिंपल यादव के मनाने पे ही वो सारी नहीं, स्थितियां सुधरी हैं। वो सारी बातें ठीक है। मैं एक बीजेपी के प्रवक्ता को कोट करना चाहूंगा, अनुपम जी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को क्या है, उनके पिता की पार्टी है, वो जब चाहे उस जिसको टिकट दें, जब चाहे काट दें। उनके कहने का मतलब था कि यहाँ कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड तो है नहीं, फैसला अकेला अखिलेश यादव को ही लेना है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार उनके सलाहकार कौन है? इतने ज्यादा फैसलों में परिवर्तन की वजह कौन है? क्योंकि कुछ कोई तो ट्रस्टवर्दी लोग उनके इर्द गिर्द होंगे, कोई तो कॉटरी होगी जिनके दम पर ये पार्टी चला रहे हैं। आखिरकार जब इनकी तुलना इनके पिता से होती है, तो इनके पिता तो अपने फैसले से अडिग होते नहीं थे, और जो विरोधी होते थे उनको मनाने की उनकी अपनी एक अलग तौर तरीके थे। वो उनके घर चले जाते थे, बात कर लेते थे, मना लेते थे। लेकिन यहां पर तो स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि कुछ सीटों पे साफ दिखाई पड़ रहा है, जैसे एसटी हसन मुरादाबाद में घूम घूम करके कह रहे हैं कि उनका टिकट साजिश के तहत काटा गया, पर वो रुचि वीरा के पक्ष में कोई प्रचार नहीं करेंगे। मतलब रुचि वीरा के लिए स्मूथ गोइंग तो है नहीं, रुचि वीरा की टिकट मिल गई पर सीट खटाई में पड़ गया। ऐसे में सवाल उठता है कि उनको सलाह कौन दे रहा है, फैसले किस तरीके से ले रहे हैं, और इतने फैसले बदले जाएंगे तो क्या उनको फीडबैक नहीं मिल रहा है कि उनके बारे में इंप्रेशन क्या बनेगा? पंकज भाई, एक पत्रकार के तौर पे तमाम लोग मुझे अक्सर इस तरह की बातें करते हैं कि भाई राहुल गांधी इस तरह की बातें क्यों करते हैं। एक मिनट, मैं अखिलेश की बात नहीं, राहुल की। राहुल गांधी इस तरह की बातें क्यों करते हैं? तमाम बड़े नेताओं के पास थिंक टैंक होता है, अपनी टीम होती है। अनुपम भाई, एक सेकंड, सॉरी। कांग्रेस ने मथुरा और सीतापुर टिकट दिया है। सीतापुर में नकुल दुबे का कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी के साथ चलते हुए टिकट काटना शुरू कर दिया। राकेश राठौर सीतापुर और मुकेश धनगर ये मथुरा से लड़ेंगे। जी चलिए, ये ब्रेकिंग जी, न्यूज तो दे रहे थे कासिम साहब। हाँ कांग्रेस ने प्रयागराज संसदीय क्षेत्र से रेवती रमन सिंह के लड़के को आज टिकट दे दिया है, उज्जवल रमन सिंह को। उज्जवल रमन सिंह के पिताजी रेवती रमन सिंह समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं। उनका बयान आया था कि अखिलेश यादव ने 3 साल से मेरा टेलीफोन नहीं लिया, और उन दोनों के बीच बड़ी खटास, बड़ी नाराजगी बताई जा रही है, और उसके बाद उनके लड़के को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। चलिए, अच्छा गठबंधन है। तो साहब, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब राहुल गांधी की टीम क्या कर रही है? अगर राहुल गांधी ऐसे अनाप शनाप बोल रहे हैं तो उनकी टीम होने के, तो मेरा उनको हमेशा जवाब रहता है पंकज भाई कि आखिर वो टीम सेलेक्ट कौन करता है? वो टीम भी तो राहुल गांधी सेलेक्ट करते हैं। तो जो नेता की अपनी योग्यता होती है वैसी टीम बनती है। अखिलेश यादव की टीम को सैयद कासिम पिछले 2 साल से एक नाम दिया है इन्होंने। इस बार मैंने देखा कि वो नाम ओवैसी दोहरा रहे थे, तो बात निकलती तो फिर दूर तलक जाती है। वो नाम दिया सैयद कासिम ने उनको, भाई तुझ पे जा कुर्बान टी। तो उनके आसपास 4-5 लोग ऐसे हैं जिनका इकलौता योगदान ये है कि दिन में 5 बार कहते हैं भैया तुझ पे जा कुर्बान, जो एक सभासदी का टिकट जीतने, एक सभासदी का चुनाव जीतने की लियाकत नहीं रखता। देखिए, लेकिन इसके बाद भी अंतर पड़ता है। ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह के पास सब बहुत ही, मुलायम सिंह के इर्द गिर्द भी जो लोग थे उनकी अपनी, मैं आपको अपनी आंखों देखी एक बात बता रहा हूँ। प्रदेश के एक वरिष्ठ नौकर शाह के साथ मुलायम बैठा तो मुलायम सिंह ने कहा कि सर मेरी पार्टी में 3 तरह के लोग हैं। पहला उन्होंने कहा सलीम शेरवानी, इन्होंने कहा ये गोल्फ खेलते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, इनको ब्यूरोक्रेट होना चाहिए, तो कहां सियासत में आ गए। दूसरे उन्होंने कहा बेनी बाबू, उन्होंने कहा कि साहब इनके अपने तो सारे काम हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं को देखते ही कुछ चुड़ होने लगती। तीसरा उन्होंने कहा जिनेश्वर मिश्रा, कहना ये किसी और का काम करते हैं ना अपना काम करते। तो कुल मिलाकर क्या सारी पार्टी को मैं अकेले अकेले चलाता हूँ। तो लेकिन मुलायम सिंह में वो लियाकत थी। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देख रहा हूँ। इंदिरा गांधी ने एक ऐसा एक ट्रेडिशन चलाया, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल का एक इक्वेशन देखा। इंदिरा गांधी को समझा कि साहब होम मिनिस्टर स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, कमजोर कमजोर लोगों को ढूंढ के गृह मंत्री बनाना शुरू कर दिया।
पर साहब कमजोर गृह मंत्री इंदिरा गांधी के साथ इसलिए चला जाता था क्योंकि इंदिरा गांधी खुद एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थी। अगर प्राइम मिनिस्टर ही कमजोर आए वो गृह मंत्री भी कमजोर बना ले फिर तो कैबिनेट का बाजा बज गया। तो अखिलेश यादव की आप टीम आप समझ ले, राहुल गांधी की आप टीम आप समझ ले, उसमें आपको तमाम लोग आप बताइए। आप वो कन्हैया कुमार कहते थे कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट संस्था है NSUI, राहुल गांधी बुला के उनको NSUI के चार्ज दे देते। तो मतलब ये अपनी अपनी सोच है भाई, इसका इसका क्या किया जाए। अखिलेश यादव को मैं क्यों कंफ्यूज लीडर कहता हूं पंकज भाई, एक दिन बिना पूछे बिना सवाल किए वो टीवी पे कहते हैं मैं धार्मिक तो बहुत हूं पर मैं पूजा पाठ में यकीन नहीं रखता, कर्मकांड पे आलोचना हुई। उसके अगले महीने उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बैठ के रुद्राभिषेक करते हुए एक फोटो खिंचाई और उसको डाल दिया। रुद्राभिषेक इतनी लंबी टप पूजा है मेरा प्राण सूख जाता है, अरे भाई इतना देर बैठना वहां पे दूध ऑफर करना वो रुद्राभिषेक करने लगे। यहाँ पे बैठ के स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होते हैं, कहते हैं कि साहब हम तो शूद्र हैं, सनातन में हमारी जगह नहीं है। कलकत्ता जाते हैं एक के बाद एक 16 फोटो पोस्ट करते हैं लगातार, मुझे कोई दिखा दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ ने 16 मंदिरों की फोटो पोस्ट एक के बाद एक किया अखिलेश यादव करते। अखिलेश यादव अगर आज कुछ कह रहे हैं, आज कुछ भी कह रहे हैं पंकज जी, तो आप एकदम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि अखिलेश यादव अगले हफ्ते एकदम उल्टी बात करेंगे। पंकज भाई मैं महेंद्र सिंह जी आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जो पूरा पूरी जो राजनीतिक चीजें दिखाई पड़ रही हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, इसको लेकर के क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव के तमाम घटक दल उनको साथ उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, आपने भी उसकी चर्चा की, बहुत सारे घटक दल उनके साथ चले गए, कहीं अखिलेश यादव को इस बात का कंफ्यूजन तो नहीं हो गया है कि पिछली बार 110 सीटें समाजवादी पार्टी अपने दम पर जीती थी जबकि उनके घटक दल चाहे पल्लवी पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, RLD के जयंत चौधरी हो, तमाम लोग उनके साथ थे और उन लोग और पल्लवी पटेल ने अभी हाल में स्टेटमेंट दिया कि उनको ये समझना चाहिए कि उनकी सीटें 47 से 110 बढ़ी तो किस वजह से बढ़ी, इस वजह से बढ़ी क्योंकि उन्होंने भी BJP की तरह छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया। पर अखिलेश यादव अब छोटे दलों को बहुत ज़्यादा तरजीह भी नहीं दे रहे, ऐसा साफ दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और एक और कल एक घटक दल से गठबंधन किया, पर अब अखिलेश यादव के साथ बहुत सारे घटक दल हैं भी नहीं। BSP के साथ समझौते की बात हुई तो शुरू में वो विरोध करते ही दिखे। आखिरकार अखिलेश यादव क्या ये समझ रहे हैं कि अपने दम पर और कांग्रेस की मदद से वो BJP को हराने में सक्षम है? अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के करीब करीब सभी दलों के साथ गठबंधन करके वो अपनी अपनी राजनीति कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऐसा दल नहीं बचा होगा छोटा बड़ा जिसके साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन न किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अखिलेश यादव के साथ ये है कि एक जो विचारधारा की जो अस्पष्टता होनी चाहिए वो नहीं, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है अखिलेश यादव के अंदर। दूसरी कि वो किसी भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं उस गठबंधन की स्थिरता, उसके 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 नफा नुकसान बिना तौले अखिलेश यादव जल्दीबाजी में गठबंधन करते हैं और उतनी ही जल्दीबाजी में गठबंधन तोड़ देते हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा ये तो 2022 के लिए गठबंधन था पल्लवी पटेल के, निश्चित रूप से किसी भी जो है दल को राजनीतिक दल को ऐसी बातें कतई पसंद नहीं आएंगी और खासकर उनके समर्थकों को। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक तरीके से आप कहें कि जो डबल इंजन की सरकार कोट अनकोट है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो गवर्नेंस है, जो लॉ एंड ऑर्डर मॉडल है और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी की जो एक ब्रांड है जो अभी भी पूरी तरीके से जो है एक इंटैक्ट आप कहें जिसपे एंटी इनकम्बेंसी का धार भी काम नहीं का, वैसे में आप जो है एक ऐसे दल से लड़ रहे हैं जो विचारधारा के रूप में जिस तरीके से अनुपम जी ने अभी बात की कि एक बात आप कह रहे हो किसी धर्म के बारे में वही बात दूसरी एक हफ्ते के अंदर आप परिवर्तित कर दे रहे हो और ये तमाम अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पे साफ दिखाई देता है। इसलिए
मैं बार बार कहता हूं कि वहां एक जो है विचारधारा की स्पष्टता, क्लैरिटी, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी कहीं कहीं लैग करती है। अगर हम ये, और ये सभी जो जो जिनको विरासत में राजनीति मिली, जो जमीन से लड़के नहीं राजनीति किए, जिस तरीके से जो है आप योगी आदित्यनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जिन्होंने हर स्तर पे राजनीति की है, चाहे वो जो है नगर निकाय के स्तर पे हो, चाहे जो है वो राज्य के स्तर पे हो, और ऐसे में आप जो है आपने सिर्फ और सिर्फ आपको एक विरासत में राजनीति मिल गई, शायद उसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, ये साफ दिखाई देता है जिस तरीके से। हाँ, मैं निश्चित रूप से इस बात के लिए बार बार आपके शो पे अखिलेश यादव की प्रशंसा कर चुका हूँ कि वो गठबंधन बनाने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है किसी भी राजनीतिक दल को, जो उनके पिता के समय में बहुत मुश्किल होता था गठबंधन बनाना, और कि उनके साथ किसी भी टर्म पे जो है अगर आप कहें कि समझौता करना, ये बहुत एक टफ नेगोशिएशन होता था, जो जिसको रियल पॉलिटी बोलते हैं वो होता था, वो शायद जो है अखिलेश यादव में लैग करता है, तुरंत गठबंधन बनाते हैं, तुरंत तोड़ देते हैं, और इससे निश्चित रूप से जो आपका डेडिकेटेड वोट बैंक है उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है कि आप किसके साथ है किसके साथ नहीं है। जहां तक मैं अगर अल्पसंख्यक की जो बात कर रहा था, कासिम साहब ने जो है उसमें कुछ सुधार किया था, मेरा ये मतलब था कि जो अभी उनके पास विकल्प है उसमें समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई बेहतर विकल्प नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से वो कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रहे थे। बहुजन समाजवादी पार्टी के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, और अगर हम कहें कि भारतीय राजनीति की, चुनावी राजनीति की त्रासदी है कि अल्पसंख्यक एक वोट बैंक के रूप में एक जो है डेडिकेटेड वोट बैंक के रूप में वोट करता है, चाहे वो जो भी दल कोट अनकोट जो कम्युनल पार्टीज हैं, जिनको कम्युनल पार्टीज कहा जाता था, उनके खिलाफ जो है लामबंद होके एकजुट होके वोट करता आया है, तो उसके पास भी कोई विकल्प नहीं है अखिलेश यादव के अलावा, क्योंकि कांग्रेस कहीं से भी जो है बहुत, मुझे लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई रुचि ही ना हो, उसकी गतिशीलता से, उसकी राजनीतिक गतिविधियों से यह लगता है कि जैसे कांग्रेस पार्टी की कोई उत्तर प्रदेश में रुचि ना हो, तो ऐसे में क्या विकल्प बनता है अल्पसंख्यक समुदाय के पास अखिलेश यादव के अलावा। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चुनौती है, ये बड़ी चुनौती है, और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है। बोलिए, एक चीज बोलिए। देखिए, ऐसा गंजी के कम्युनल राजनीति जो महेंद्र भाई ने कहा, तो मुस्लिम राजनीति में तो कम्युनली राजनीति होती है, एक चीज नहीं, मैंने कहा जो इल्जाम लगाया जाता था कम्युनल, नहीं, एक बात कही मैंने कि जो मुसलमान जो वोट करता है, और दूसरी चीज उसमें ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव बिजनौर की रैली में जाके कह देते थे मुस्लिम कट्टा रखें, मुस्लिम अपने मतलब उसके लिए सुरक्षा के लिए कट्टा रखें, और सब दफा 25 में बंद हो गए, लेकिन उसके बाद मुसलमान उनके साथ खड़ा रहा। अखिलेश यादव जब नमाज नहीं कहेंगे, अवतार नहीं कहेंगे, मुख्तार नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं चलता, मुसलमान सिर्फ शब्दों का खिलाड़ी है, आप शब्दों से उसके ऊपर मरहम लगाइए, उसका कितना भी नुकसान हो जाए चलेगा, लेकिन आप शब्दों से उसके साथ नहीं होंगे। बीजेपी के हिसाब से जैसे बीजेपी है मुसलमानों को टिकट नहीं देती, आप भी नहीं देंगे, और वो भी मुरादाबाद में नहीं देंगे, मेरठ में नहीं देंगे, बिजनौर में नहीं देंगे, मुजफ्फरनगर में नहीं देंगे, बदायूं में नहीं देंगे, फिरोजाबाद में नहीं देंगे, आजमगढ़ में नहीं देंगे। मैं जी ना रातगई ना अंधेरिया हमारे गांव में एक मिसाल कही जाती है, चुनाव बाद हम लोग फिर बैठेंगे और आप ये बात कहिएगा, क्योंकि मैंने अनुपम जी कुछ 24 के प्लेयर नहीं है, मैं बस एक प्लेयर 1.5 साल पहले कहा था मैंने, और आज वो बात सही साबित। महेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अनुपम जी का क्विक कमेंट, समय की सीमा पार कर चुका है। जवाब सुन लीजिए जो अखिलेश यादव को दिया था, इन्होंने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूँ, जहन्नुम में जाएगा, अखिलेश यादव को नहीं देगा। ये देखिए पंकज भाई, एक्चुअली शायद मंजूर साहब बता रहे थे, उन्होंने उनसे अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमान जाएगा कहा, शायद मंजूर साहब ने कहा जहन्नुम में चला जाएगा, आपके पास नहीं आएगा। अब देखिए मेरी बात सुने, मेरी याददाश्त में आज तक फोन किया, मैंने कहा यार आप ज्यादा करीबी नजर रखते हो, आप मेरे को बताओ आपको याद आता है कि मेरठ में आज तक किसी ऐसा कोई चुनाव हुआ हो कि किसी पार्टी ने मुसलमान ना लड़ाया हो?
अरे भाई आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी राजनीति को मुस्लिम हीन कर रही है, आप वहां जाके देखे भाजपा सपा बसपा कांग्रेस मतलब किसी ने मतलब मेरठ जैसी जगह पे आपको कोई मुसलमान मिल ही नहीं रहा। एक बात और आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि भाई नहीं नहीं मेरी मेरी बात सुन, जब 2022 में अखिलेश यादव मुसलमानों से गुरेज कर रहे थे, उनको अपने रथ पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, तो मेरे सैयद कासिम साहब से बात होती थी, कहते थे कि भाई हमारे मुसलमानों में एक हम देखते फीलिंग आ रही है कि अभी वो हिंदू वोट के लिए ऐसा कर रहे हैं, बुरा मत मानो मुसलमान भाइयों आपस में, कम से कम अखिलेश लौट आएंगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अखिलेश लौटे नहीं, तो साहब आपकी दो बातें बुरी भी नजर समझ में आ जाती है, बशर्ते आपसे जो तवक्को थी, आपको जो काम दिया गया था कि भाजपा को रोको, वो आप नहीं कर पाए।